तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बद्रीनाथ वीडियो सीरीज जारी है। इससे पहले एपिसोड 3 में हमने बद्रीनाथ की यात्रा शुरू की थी, जिसमें बताया था कि देवप्रयाग का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है, वहां कौन कौन से मंदिर हैं, कौन सी दो नदियों का मिलन होता है, कहां पर गंगा जी बनती हैं, किस स्थान पर हम नहा सकते हैं, देवप्रयाग में होटल कहाँ और कितने का मिलता है। इसी के साथ एपिसोड 3 में श्रीनगर के बारे में भी बात की थी, जैसे श्रीनगर का इतिहास, वहाँ के मंदिर, पर्यटन स्थल और भी बहुत कुछ। इसलिए अगर आप इस कंप्लीट एपिसोड को समझना चाहते हैं तो पहले एपिसोड 1 से लेकर 3 देखिए, तभी ये वाला समझ आएगा। इस एपिसोड 4 में हम धारी देवी मंदिर और रुद्रप्रयाग के बारे में बात करेंगे। श्रीनगर में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे बढ़ गए थे। सड़क आप देख ही सकते हैं ये कैसी चल रही है। सड़क के किनारे आपके साथ अलकनंदा नदी चलती रहती है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं धारी देवी मंदिर की। श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां हमको धारी देवी मंदिर जाना है। वो पेड़ की साइड में आपको एक ऊंचा सा गेट सा दिखाई दे रहा होगा, वहां से हमको नीचे की ओर जाना है और वही मंदिर है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इसके किनारे खाने पीने और प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें हैं। सड़क के पास यहाँ पार्किंग या अन्य कहीं उचित जगह पर अपनी गाड़ी या बाइक खड़ी कर दीजिए, जो भी आप लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं धारी देवी मंदिर की तरफ। ये देखिए मंदिर का गेट कितना अच्छा लग रहा है, लिखा हुआ है जय माँ धारी, जो आए श्रद्धा लेकर वो ले जाए वरदान। मतलब वो शक्ति कपूर वाली श्रद्धा नहीं, ये है मन वाली श्रद्धा। यहाँ पर बीच में माता जी की काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं तथा दोनों साइड में गणेश जी और शेर की मूर्ति बनी हुई है। ये गेट सामने और पीछे से एक जैसा ही लगता है। चलिए अब हम नीचे मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर तक नीचे की ओर खूब ढलान है, आप आराम से रुड़किए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी नीचे जाते समय। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो क्या हालत होगी, जब चढ़ाई ऐसी है जब उतराई ऐसी है तो फिर चढ़ाई भी तो ऐसी होगी ना। वो देखिए अलकनंदा नदी में खड़ा हुआ मंदिर हमें दिखाई देने लगा है। वाओ, जल के अंदर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मंदिर के पास एक यहाँ पुल भी बना हुआ है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं भाई साहब, तो आपके पास जो प्रसाद है या कुछ भी चीज़ है उनकी सावधानी आप अपने हिसाब से रखिए। ये नीचे है आदि शक्ति माँ धारी देवी पुजारी न्यास धर्मशाला, चाहे तो आप वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। ये अघोरनाथ भैरव जी का मंदिर है। अच्छा, घोड़े, ठीक है यार, मतलब आप घोड़ों से भी जा सकते हैं। चलिए इससे पहले कि हम आगे की तरफ कुछ बढ़ें, ये लड़का कुछ कह रहा है, इसकी सुन लेते हैं। चल भाई सुना। दोस्तों, ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये है धारी देवी का मंदिर जो अलकनंदा नदी में है। इसका पूरा संबंध है केदारनाथ में आई 2013 की बाढ़ से। वो कैसे संबंध है वो हम आपको, साइड में ये कुछ दुकानें हैं जहां आप अपने हिसाब से कुछ निशानी अगर खरीद कर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। ओ भाई साहब, हरी भरी पहाड़ियों और नदी के बीच बना ये मंदिर कितना सुहावना लग रहा है, कसम से कहने को शब्द नहीं है। वीडियो शायद इसको जस्टिफाई ना कर पाए, ये जो हमारा कैमरा या वीडियो है, लेकिन रियल में मंदिर इतना खूबसूरत बना है ना कि बस शब्द नहीं है हमारे पास कहने को। और अभी तो मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है यार, सोचो कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कितना बढ़िया लगेगा। जय माँ धारी देवी, जय माता दी। मंदिर तक जाने के लिए ये अलकनंदा नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों साइड जालियां हैं और ऊपर टीन लगी हुई है। बता नहीं सकता भाई साहब क्या एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ चलने का। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार दीजिए और साइड वाले रास्ते से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सीधे वाला रास्ता भी निर्माण कार्य के चलते बंद है, इसलिए हम आगे सीधा नहीं जा सकते, साइड वाले रास्ते से हमें जाना होगा। तो हम मंदिर की ओर चलते हैं और परिक्रमा करके वापस आते हैं। दोस्तों, अब कुछ बातें कर लेते हैं हम मंदिर के बारे में। कलियासोड़ में बना धारी देवी मंदिर समुद्र तल से 560 मीटर की ऊंचाई पर है। देवी काली को समर्पित ये मंदिर
श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है। यहाँ से बद्रीनाथ 175 किलोमीटर दूर रह जाता है, जिसमें आपको 7 घंटे लग जाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार धारी देवी की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय ये मूर्ति कन्या की तरह दिखाई देती है, दोपहर में युवती और शाम को बूढ़ी महिला की तरह ये मूर्ति नजर आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालीमठ मंदिर द्वापर युग के समय का है। एक बार भीषण बाढ़ आई थी जिस कारण मंदिर बह गया था, लेकिन मंदिर में रखी धारी देवी की मूर्ति बहकर धारो गांव के पास एक चट्टान पर आकर रुक गई थी। उस समय गांव वालों ने रोती हुई किसी आवाज़ को सुना। उन्होंने पता लगाया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखा तो उन्हें धारी देवी की एक मूर्ति दिखाई दी। कहते हैं कि तभी से यहाँ मूर्ति स्थापित करके मंदिर बनवा दिया गया नदी के बीचों बीच। धारी देवी मंदिर में बनी काली देवी की मूर्ति शांत मुद्रा में है, जबकि कालीमठ और कालीस्य मठों में माता काली की मूर्ति क्रोध अवस्था में है। यहीं पर मूर्ति का आधा हिस्सा स्थित है। धारी देवी को दक्षिणी काली माँ के नाम से भी बोला जाता है। श्रीनगर गढ़वाल एरिया में बना ये मंदिर प्राचीन सिद्ध पीठ है। दोस्तों, धारी देवी को चार धाम की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। धारी देवी मंदिर में दुर्गा पूजा, नवरात्रे समेत कई त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उस दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। मंदिर में आकर आप अपनी कोई मनोकामना या इच्छा हो वो यहाँ मांग सकते हैं। स्थानीय नवविवाहित जोड़े जो होते हैं ना, वो यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। सुबह और शाम दोनों समय यहाँ आरती होती हैं, आप चाहे तो उसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ की तरफ, मतलब उसके बारे में बात करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का केदारनाथ की बाढ़ से सीधा संबंध है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। बात शुरू होती है 1985 से, जब श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मतलब बिजली बनाने के लिए जो डैम होता है, उसका प्लान बन रहा था कि यहाँ पर एक हमें डैम बनाना है। ध्यान रहे कि उस समय भी अलकनंदा नदी के किनारे पर धारी देवी मंदिर था, उस समय नहीं, ये तो जो कितने वर्षों पुराना है। डैम की स्वीकृति के समय जो ऊंचाई रखी गई थी इसकी, वो थी 63 मीटर, लेकिन बाद में इसकी ऊंचाई कर दी गई 95 मीटर। अब जब ऊंचाई बढ़ी है तो इसको कवर करने के लिए एरिया भी ज़्यादा चाहिए ना, तो ज़्यादा पानी आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे डैम बनता गया, वैसे वैसे अलकनंदा नदी में पानी का फ्लो बढ़ता गया और धारी देवी मंदिर में पानी बढ़ता चला गया, मतलब मंदिर धीरे धीरे डूबता गया। स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया। उनका कहना था कि जब डैम बनाया जा रहा था तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर हो सकती थी जिससे कि ये मंदिर ना डूबता या बच जाता। ऐसा पहले भी भारत में हो चुका है कि डैम के रास्ते अगर कोई चीज़ आ रही है उसको बचाया गया हो। 16 जून 2013 को उस समय की राज्य सरकार द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया और मूर्ति वहाँ से हटा ली गई। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा गया था और बाद में ये मामला अदालत में भी पहुँचा था। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि अगर यहीं पर किसी दूसरे धर्म का कोई स्थान होता तो सरकार इसको तोड़ने से पहले या हटाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचती और तब कानून व्यवस्था का हवाला देकर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाता। मौसम विभाग के अनुसार जून 2013 में करीब 70 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन पहली बार उस समय 300 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि उससे पहले मौसम के इतना खराब होने की ज़्यादा संकेत नहीं थे। 16 जून 2013 को शाम 6:30 बजे मूर्ति हटाई गई और उसके कुछ ही घंटे बाद गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच एक बादल फटा, जिससे केदारनाथ और उत्तराखंड के बाकी कुछ हिस्सों में बाढ़ का भयानक रूप हमें देखने को मिला था। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना मंदिर की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाने के कारण हुई है। कहा जाता है कि वर्ष 1882 में एक राजा ने यहाँ मंदिर को हटाने का प्रयास किया था, तब भी यहाँ पर एक भूकंप आया था। इतने तगड़े विरोध और मंदिर के महत्व को देखते हुए डैम से बनी झील के कारण जो मंदिर डूब गया था, अब उसी स्थान पर जमीन से उसको काफ़ी ऊपर उठाकर अस्थायी मंदिर बना दिया गया है और अभी भी धारी देवी मंदिर का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। चलिए, हमने दर्शन पूरे कर लिए तो अब चढ़ाई चढ़कर हम वापस सड़क की तरफ चलते हैं। चढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी तो ज़रूर होगी भैया, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। खैर, कोई नहीं, हम चलते हैं।
धारी देवी मंदिर के बाद अब हम चल रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। रुद्रप्रयाग दोस्तों, उत्तराखंड का पूरा रूट और उस पर आने वाले सभी स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। हर एक स्थान का अपना अपना महत्व है। उसी क्रम में आता है रुद्रप्रयाग। भगवान शिव के नाम से आया रुद्र और संगम के कारण नाम हुआ प्रयाग, तब मिलकर बना रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपके पास चार धाम में से दो धाम जाने के लिए रास्ता निकलता है। एक जाता है बद्रीनाथ की तरफ और दूसरा केदारनाथ की तरफ, वो आगे बताएंगे हम। श्रीनगर से 33 किलोमीटर और धारी देवी मंदिर से 20 किलोमीटर आगे है रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ मंदिर यहाँ से 154 किलोमीटर दूर रह जाता है। रुद्रप्रयाग समुद्र तल से 895 मीटर की हाइट पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या थी 9113, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 777 महिलाएं थीं। साक्षरता की बात करें तो 2011 में करीब 90% थी। रुद्रप्रयाग एक जिला और नगर पंचायत दोनों है। 16 सितंबर 1997 को इसको जिला बनाया गया था। रुद्रप्रयाग अन्य शहरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विकसित दिखाई देता है। यहाँ पर बड़े बाजार हैं। आप चाहें तो बद्रीनाथ या केदारनाथ जाते समय रुद्रप्रयाग में रात में रुक सकते हैं। संगम मतलब प्रयाग के पास ही बाबा काली कमली वाला यात्री विश्राम गृह धर्मशाला है। ये जो आप दो मंजिल इमारत देख रहे हैं, ये वही है जहां आप स्टे कर सकते हैं। हमने रात को इसी में रूम लिया था। आप देख सकते हैं कि रूम कैसा है। ये एक हॉल और आगे जो हैं वो दो कमरे हैं, वो हमें मिल गए थे। ये सब तीनों 700 रुपये में। वाकई में अच्छे कमरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से मंदाकिनी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ तक पहुँचने का रास्ता इसी धर्मशाला के पास से होकर गुजरता है, जो यहाँ से करीब होगा 200-300 मीटर। वहीं पर रुद्रनाथ जी का भी मंदिर है। तो चलिए अब हम चलते हैं बाबा काली कमली धर्मशाला से प्रयाग की तरफ, जो यहीं पास ही में है। वैसे तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि प्रयाग किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। दोस्तों, प्रयाग उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, या कहें कि उनका संगम होता है। इन दोनों नदियों के मिलने से एक नदी आगे बढ़ती है। अब कौन सी नदी आगे बढ़ेगी, ये कैसे तय होगा? इसके लिए ये देखा जाता है कि ये जो दो नदी आपस में मिल रही हैं, इनमें से बड़ी कौन सी है। जो बड़ी होगी उसी के नाम से आगे की नदी का नाम तय होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको सुन लीजिए, ये कुछ कह रहा है। दोस्तों, ये है अलकनंदा और ये साइड में आप देख रहे हैं ये है मंदाकिनी। इन दोनों का जो संगम स्थल है वो कहलाता है रुद्रप्रयाग। दरअसल प्रयाग उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर दो नदी आपस में मिलती हैं। जैसे कि अगर आप बद्रीनाथ वाले रास्ते पर जाएंगे तो वहाँ पर पांच ऐसे स्थान आएंगे जहाँ पर आपको दो नदी आपस में मिलती हुई दिखाई देंगी। हम देश विदेश भागते रहते हैं, वहाँ देखो यहाँ देखो, लेकिन भारत में जो चीज़ है दोस्तों वो कहीं नहीं मिलेंगी ऐसे। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों का संगम मतलब मिलन होता है। अब चूंकि इनके मिलने से एक नदी आगे की ओर बढ़ रही है, तो उसका भी तो कोई ना कोई नाम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से बड़ी है, तो अलकनंदा नाम से ही आगे वाली नदी जाएगी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि बड़ी वाली का ही नाम बढ़ेगा। रुद्रप्रयाग के घाट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सच में दोस्तों, नदियों को मिलते हुए जो देखकर आनंद आता है ना, बस कमाल का लगता है। जल की आवाज़ सुनकर ऐसा मन करता है कि मानो घंटों तक सब दुख दर्द भूलकर यहीं बैठे रहें। सुकून मिलता है बहुत, सच में। अब क्या करें, मजबूरी है, एपिसोड को भी तो आगे लेकर जाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। केदारनाथ बाढ़ यानी कि 17 जून 2013 से पहले रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के ऊपर 1 फुट ब्रिज बना था, जैसे बनाया ऋषिकेश में है ना, जैसे राम झूला लक्ष्मण झूला, वैसे ही इसको हवा में झूलने वाला पुल भी कह सकते हैं। केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो ये पुल बह गया था। इससे पहले हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि रुद्रप्रयाग से केदारनाथ कैसे पहुँचे। बद्रीनाथ तो हम जा ही रहे हैं, उसके बारे में तो पूरे 15 एपिसोड बना रहे हैं हम।
अब हम यहाँ बात करते हैं केदारनाथ वाले रास्ते की जो रुद्रप्रयाग से जाता है। वैसे तो हमने कंप्लीट जानकारी रास्तों के बारे में जो थी वो एपिसोड 2 में दे दी थी, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ करीब 93 किलोमीटर है और बद्रीनाथ है 154 किलोमीटर। ये रुद्रप्रयाग से आप नीले वाला जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये जा रहा है बद्रीनाथ की तरफ, और ये पीले वाला रास्ता है केदारनाथ की ओर। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बीच में आएगा पहले अगस्त मुनि, उखीमठ, फाटा होते हुए हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। और आपको तो पता है कि सोनप्रयाग से आगे 4 किलोमीटर गोरीकुंड है, जहां से केदारनाथ के लिए 16 या 18 किलोमीटर वाला पैदल का ट्रैक शुरू होता है। केदारनाथ के रास्ते उखीमठ से 29 किलोमीटर दूर फेमस एक टेम्पल है, वो आपने सुना होगा तुंगनाथ जी का मंदिर। मेरी भी बड़ी इच्छा भाई साहब जाने की है। केदारनाथ वेब सीरीज के या वीडियो सीरीज में जब हम 10 एपिसोड लाएंगे तो इनकी पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे केदारनाथ की। खैर अब हम बढ़ते हैं आगे कि रुद्रप्रयाग और उसके आसपास कौन कौन से स्थान हैं जो हम देख सकते हैं। पहला आता है चामुंडा देवी मंदिर। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम घाट पर ही चामुंडा देवी मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर चामुंडा देवी जी की पूजा जो की जाती है वो भगवान रुद्र की पत्नी के रूप में की जाती है। ये मंदिर 2013 की बाढ़ की चपेट में भी आया था, जिसमें संगम पर बहुत सारे पत्थर जमा हो गए थे। यहाँ गर्मियों में शाम 7 बजे और सर्दियों में शाम 5 बजे रोजाना गंगा आरती होती है। मंदिर में माँ चामुंडा देवी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के प्रांगण में और भी कुछ मूर्तियाँ हैं, आप इनको देख सकते हैं आराम से। यहीं पर भगवान शिव शंकर और नारद जी की मूर्तियां भी हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग स्थान के नामकरण के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। वो कैसे तो सुनिए। स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा है कि देव ऋषि नारद मुनि जी संगीत सीखना चाहते थे। ये बात उन्होंने ब्रह्मा जी से बताई कि मुझे संगीत सीखना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान शिव जी की तपस्या करो, वही अपने रौद्र रूप में तुम्हें संगीत की शिक्षा देंगे। नारद मुनि ने यहीं रुद्रप्रयाग में नदियों के संगम स्थल पर एक शिला मतलब पत्थर पर बैठकर वर्षों शिव जी की तपस्या की। बाद में उस शिला का नाम हो गया नारद शिला। कहते हैं कि ये शिला अभी भी नदियों के संगम स्थल पर है। तब शिव जी ने अपने रौद्र रूप में दर्शन देकर नारद मुनि को संगीत की शिक्षा दी। आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि जब भी नारद जी आते हैं तो उनके पास एक वीणा होती है जिसमें संगीत बजता है और वो कहते हैं नारायण नारायण। अब आप सोच रहे होंगे कि यार नारद जी को शिक्षा तो शिव जी ने दी है और नाम जप रहे हैं नारायण नारायण मतलब विष्णु जी का। अरे तो भैया भोले शंकर हों, भगवान विष्णु हों या कृष्ण जी हों या कितने भी भगवान हों, हैं तो सब एक ही ना। नाम भले ही अलग हों वैसे तो सब एक ही हैं। शिव जी ने नारद जी को जो वीणा दी थी उसका नाम था महती। अगला मंदिर आता है रुद्रनाथ मंदिर। नदियों के घाट से जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। रुद्र मतलब शिव और नाथ मतलब भगवान मिलकर हुआ शिव भगवान। इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा वही है जो अभी हमने आपको बताई है, शिव जी और नारद जी वाली। तो यहाँ भी आप कर लीजिए कॉपी 2, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी मंदिर की तरफ,
वो है कोटेश्वर महादेव मंदिर। अलकनंदा नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर प्राकृतिक पत्थरों से बनी ये गुफा है। कहते हैं कि भगवान शिव ने केदारनाथ जाते समय इसी गुफा में बैठकर तपस्या की थी। यहाँ मूर्ति भी प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। बाद में गुफा के आसपास मंदिर बनवा दिया गया। मंदिर के पास ही माता पार्वती, माँ दुर्गा, गणेश जी और हनुमान जी की भी मूर्ति है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर एक मेला भी लगता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। उसके अनुसार भस्मासुर नामक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या करके ऐसा वरदान मांग लिया था कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। अब भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना भगवान शिव जी के सर पर ही हाथ रखकर ये ट्राई कर लिया जाए वरदान। अरे भले मानस, उन्हीं से तूने वरदान लिया और उन्हीं पर ट्राई कर रहा है, देख तो ले हैं कौन वो भगवान। खैर, इसकी सजा वो आगे भुगतेगा, सुनिए कैसे। जैसे ही भस्मासुर शिव जी की तरफ बढ़ा तो शिव जी समझ गए कि ये मेरे वरदान को मेरे पर ही आजमाना चाहता है। तब शिव जी वहाँ से अदृश्य मतलब गायब होकर इसी कोटेश्वर गुफा में आ गए। अब भगवान विष्णु जी ये सब देख रहे थे कि क्या चल रहा है। आपको तो पता ही है कि वो रूप बदलने में कितने फेमस थे। तो भगवान विष्णु ने रूप बदलकर मोहिनी नाम की एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और पहुंच गए भस्मासुर के सामने। भस्मासुर ने देखा कि यार ये स्त्री तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। भस्मासुर जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो विष्णु रूपी उस स्त्री ने कहा कि जैसे जैसे मैं नृत्य करूँगी मतलब नाचूँगी वैसे वैसे तुम नाचना। अब भैया भस्मासुर मान गया क्योंकि उसको देखने में जो स्त्री थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे वो स्त्री नृत्य करती गई वैसे वैसे भस्मासुर भी नाचने लगा। अब भैया भस्मासुर नाचने में इतना मग्न हो गया कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा, वो तो सिर्फ उस स्त्री की कॉपी कर रहा था। जैसे वो नाच रही थी वैसे ही भस्मासुर नाच रहा था। अब इसी का फायदा स्त्री ने उठाया, उसने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लिया। अब भैया भस्मासुर भी मस्त था नाचने में, भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लिया, मतलब अपने सर पर हाथ रख लिया। अब आप समझ सकते हैं कि भस्मासुर के लिए उसके क्या मायने हैं, अब क्या होने वाला था वो तो आप समझ गए होंगे। तो शिव जी के वरदान से भस्मासुर उसी समय भस्म हो गया, मतलब मर गया, क्योंकि उसने वरदान लिया था कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूँगा वही भस्म हो जाएगा। तो भैया अपने ऊपर रखोगे तो अपना आप भी तो भस्म हो जाएगा ना। मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी गुफा में शिव जी से मुक्ति का वरदान लेने के लिए आए थे। तब भगवान शिव जी इस गुफा में ध्यान अवस्था में तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड 4। अगले एपिसोड 5 में हम बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते हुए गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली गोपेश्वर और पीपल कोटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।